Let us start and learn the theorem of similar triangle. ठीक है, similar triangle के theorem को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. Theorem क्या है? ये भी 10th के board में maximum केस में 4 marks में आते हैं. कितने marks में आते हैं? 4 marks में. आज मैं आपको बताऊंगा, कोई भी theorem जब आप प्रूव कर रहे हो या geometry का कोई भी questions आप बना रहे हो, ठीक है, उस समय आपको क्या मेमोराइज करना है, क्या आपके अपने दिमाग में रखना है कि आप इस थ्योरम को प्रूव करना कभी नहीं भूलेंगे. तो तैयार हैं, शुरू हो जाए. सबसे पहले मैं बताता हूँ आपके सामने क्वेश्चन क्या है. ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि आपको दो सिमिलर ट्रायंगल दिए हुए, यू आर गिवन अ टू सिमिलर ट्रायंगल एंड यू हैव टू प्रूव द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. फिगर में बता दो. यस, यहां पे आपको एक ट्रायंगल एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है पीक्यूआर. एक ट्रायंगल है एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है पीक्यूआर. ये दोनों सिमिलर है. तो जो ही सबसे पहले दिया हुआ है कि दोनों सिमिलर है, अपने को पता चल गया टू सिमिलर ट्रायंगल हैविंग देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन सिमिलर रेशियो एंड इक्वी एंगुलर. मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो. इट मीन्स ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर. ये एग्जाम है. ठीक है, कोई भी दो सिमिलर ट्रेंगल होगा तो साइड क्या होगा, साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड they are equiangular, corresponding angle are equal, corresponding angle are equal and corresponding sides are in same ratio. दो वर्ड समझ में आ गया, corresponding sides are in same ratio and corresponding angle are equal. Automatically हो जाएगा जब कोई भी दो triangle क्या होगा, similar होगा. तो ये रहा आपका पहला step, क्या, corresponding sides are इन सेम रेशियो एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. लिख दिया हमने, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल. कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूँ. कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब अगर ये वाला ए बी लेते हैं तो ये पूरा पूरा किस पे आएगा, पी क्यू पे, क्योंकि हमने जब नाम लिखा है यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा है कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है किसके, पी क्यू आर का. तो जो ए बी नाम से लिखना बता रहा हूँ मैं, ए बी फर्स्ट दो लिया हमने, ए बी बाई पी क्यू, समझिए यहाँ पे ए बी बाई पी क्यू एक साइड का रेशियो निकल, दूसरा बी सी बाई क्यू आर. देख रहे हैं, जो सीक्वेंस में नाम लिखा उसी सीक्वेंस में साइड प्रोपोर्शनल लिखना अगर फिगर नहीं बनाते हैं तो. ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, यानी पहला दो फिर लास्ट दो और फिर फर्स्ट एंड लास्ट. देखो ए सी बाई पी आर प्रोपोर्शनल साइड लिखने आ जाएगा. क्या मैंने बोला, फर्स्ट दो पहले का, फर्स्ट दो सेकंड का, लास्ट दो पहले का, लास्ट दो सेकंड का, फिर फर्स्ट एंड लास्ट पहले का और फर्स्ट एंड लास्ट सेकंड का. याद रहेगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिखने में दिक्कत नहीं है. नाउ द सेकंड स्टेप इज मेक द ट्रायंगल ए बी एम एंड पी क्यू एन सिमिलर. चेक करना है कि वो सिमिलर हो सकता है कि नहीं. अगर हो सकता है तो हम उसका यूज करेंगे. तो जो आपका सिमिलरिटी है, ठीक है, उसका क्रिटेरिया क्या है, क्रिटेरिया फॉर सिमिलरिटी अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आपको रिकैप करा दो. कौन कौन सा, ए ए, एस ए, एस एस एस, ठीक है, समझ में आ रहा है, ए ए, एस ए, एस एस, समझ में आ रहा है. ये क्रिटेरिया सब हम यूज करेंगे अपने को सिमिलर करने. सबसे ज्यादा मैक्सिमम केस में कौन सा यूज होता है, ए ए सिमिलरिटी. तैयार है, अब देख लो ये दोनों ट्रायंगल में एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के. क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर. देखो एंगल बी किसके इक्वल हो गया, क्यू के, यहाँ से हमने यूज किया. एंगल बी इक्वल होगा क्यू के, ये हमने यहाँ से यूज किया. और
एंगल M इक्वल होगा N से, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर क्या डाला है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में, कि AM परपेंडिकुलर है BC पे, AM परपेंडिकुलर है BC पे और PN परपेंडिकुलर है QR पे। अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 डिग्री का बनाएगा। तो देख लिया, दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो गया, ट्रायंगल ABM का भी और PQR का भी। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया AA सिमिलैरिटी से, लिख दिया हमने AA सिमिलैरिटी से। अब एक छोटी सी बात बता दूँ आपको, अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लिखेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे लिखेंगे? अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इससे पहले आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो देख लेना, स्किप मत करना वीडियो को, पूरा देखो, आराम से देखो, एक एक पॉइंट को समझो। ये मैं तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से आप ज्योमेट्री पढ़ना है, हाउ टू लर्न द ज्योमेट्री इज अ डिफरेंट मेथड, ओके। अब ये हमने बोला कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। अब मैं उसका साइड्स और एंगल को लिखना बताता हूँ आपको, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से इक्वल होगा। तैयार हैं? फटाफट शुरू करते हैं। अब देख लो, हमने क्या देखा कि एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। तो जो एंगल इक्वल रहेगा उसके सामने का साइड प्रोपोर्शनल होगा। एंगल बी के सामने ए एम, एंगल क्यू के सामने पी एन, एंगल एम के सामने ए बी और एंगल एन के सामने पी क्यू। तो दो साइड का प्रोपोर्शन तो लिख ही दिया, तो बचा कौन सा, तीसरा लिखना है तो वो भी लिख लो। इसका क्या बचा, इसका बचा बी एम और इसका बचा क्यू एन। अब अपने को जिसकी जरूरत होगा उसका यूज करेंगे, जिसकी जरूरत नहीं होगा नहीं यूज करेंगे। ये याद रहेगा ट्रिक कैसे लिखना है, जो जो एंगल हमको सिमिलरिटी में मिला है, जिस कारण से हमने उसको सिमिलर किया, उसी एंगल के अपोजिट साइड्स को लिख देंगे रेशियो में, तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएगा। तो बोलोगे सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो हो गया, तो एंगल तो पहले से कॉरस्पॉन्डिंग था, साइड बचाओ तो हमने लिख दिया। यहाँ तक समझ में आ गया, स्टेप नंबर टू इज कम्प्लीटेड। नाउ फर्दर मूव टू द स्टेप नंबर थ्री, ध्यान से देखना, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, घबराना नहीं, स्किप मत करना। और अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं तो कोई बात नहीं। अब स्टेप नंबर थ्री देख लो, अब अपने को यहाँ एरिया प्रूव करना था, एरिया का रेशियो निकालना था, तो हम एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ए बी सी हमने लिखा और एरिया ऑफ पी क्यू आर लिखा, 1/2 बी सी इंटू ए बी और क्यू आर इंटू पी एन। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, बचा क्या चीज़, बी सी बाई ए एम, क्या बचा, बी सी बाई क्यू आर इज इंटू ए एम बाई पी एन, यही बच गया। अब जरा यहाँ से देख लो, ए एम बाई पी एन के जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, ए बी बाई पी क्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू। तो चलो लिख देते हैं, ए एम बाई पी एन के बदले लिख सकते हैं क्या चीज़, ए बी बाई पी क्यू लिख दिया हमने। ए एम बाई पी एन के बदले क्या लिखा, ए एम बाई पी एन के बदले ए बी बाई पी क्यू। अब जरा देख लो, ए बी बाई पी क्यू के बदले क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू के बदले ये भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो लिख दिया हमने। ए बी बाई पी क्यू के बदले क्या लिख दिया, बी सी बाई क्यू आर। तो आ गया बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर का स्क्वायर, आ गया बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर का स्क्वायर। अब आपको पता है कि बी सी बाई क्यू आर को ए बी भी, ए बी बाई पी क्यू भी लिख सकते हैं और ए सी बाई पी आर भी लिख सकते हैं। तो इक्वल हो गया ये फटाफट किसके, ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई पी आर का स्क्वायर, हो गया ना थ्योरम प्रूव, समझ में आ गया। चलिए अब आपको सेकंड क्वेश्चन दिखाते हैं, सेम उसी तरीके का। उसमें क्या था कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है तो उस सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होगा वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। अब बस यहाँ पे सेम बदल रहा है, यहाँ पे भी दो सिमिलर ट्रायंगल देना है, ठीक है, बट यहाँ पे साइड्स के जगह पे क्या हो गया, मेडियन। और क्या कह रहा है कि
ratio of the areas of two similar triangle is equal to ratios of the square of their median. तो वहाँ पे हमने एल्टीट्यूड अभी किया था, अब एल्टीट्यूड की जगह पे मेडियन डाल दिया है, तो हमने यहाँ पे ए एम मेडियन डाला और पी एन मेडियन डाला. और पता है मेडियन जो होता है अपोजिट साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है दो पार्ट में. इसका मतलब ए एम क्या करेगा, इसको बी एम इक्वल टू एम सी, और पी एन क्या करेगा, क्यू एन इज इक्वल टू एन आर में उसको डिवाइड कर देगा. ठीक है, तो बी एम हो गया एम सी के इक्वल और क्यू एन हो गया एन आर के इक्वल. हाफ कर दिया, ये समझ में आ गया, फटाफट कर देते हैं. और दोनों तरह के सिमिलर है, पता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगा और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, ये पता है. फटाफट हम इस दोनों को सिमिलर कर लेते हैं. चलो बताते हैं सिमिलर कैसे किया हमने. हमने लिखा ए बी बाई पी क्यू, क्यों, क्योंकि दोनों ट्रेंगल सिमिलर था. फिर हमने लिखा बी एम बाई क्यू एन, हमने लिखा बी एम बाई क्यू एन, क्यों लिखा, क्योंकि बी सी जो है वो किसके सेम रेशियो में है, बी सी जो है वो सेम रेशियो में किसके है. आपको पता था कि ये जो बी सी बाई क्यू आर है उसको अगर हम लोग दोनों साइड क्या कर दें, हाफ कर दें, तो ये हो जाएगा आपको बी एम बाई क्यू एन. ठीक है, तो हमें पता था कि ए बी किसके इक्वल है, ए बी बाई पी क्यू बी सी बाई क्यू आर के इक्वल होगा, क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. पहले वाले थ्योरम में हमने पूरे तरीके से बता दिया. तो ये हो गया क्या चीज़, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी एम बाई क्यू एन, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो गया. तो ये हो गया टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल एस ए एस, एस ए एस सिमिलरिटी से ये सिमिलर हो गया. अब जो ही सिमिलर हो गया तो हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लिख दिया, बता दिया कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लिखते हैं. तो जो एंगल है उसके सामने का साइड लिख लिया, तो दो साइड तो पहले से यहाँ था, एक ही साइड लिखना था, तो वो एक साइड एंगल बी और एंगल क्यू के सामने का हो गया, तो एंगल बी के सामने का ए एम और क्यू के सामने का पी एन आ गया, लिख दिया हमने ये. अब हमको पता है कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल होगा किसके, ए सी बाई पी आर का, वो इक्वल होगा किसके, बी सी बाई क्यू आर का. तो इसका मतलब ये तीनों इक्वल हो गया किसके, ए एम बाई पी एन का, हो गया एम बाई पी एन का. थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि पहला थ्योरम आप समझ चुके हैं. अब यहाँ पे एरिया हमने निकाला तो बचा बी सी बाई क्यू आर इंटू ए एम बाई पी एन. तो बी सी बाई क्यू आर के जगह पे फिर हमने क्या लिख दिया, बी सी बाई क्यू आर के जगह पे हमको पता था कि ए एम बाई पी एन लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया बी सी बाई क्यू आर के जगह पे ए एम बाई पी एन लिख दिया. तो हो गया ए एम स्क्वायर बाई पी एन स्क्वायर, हो गया ना प्रूफ, है ना. एक और बताते हैं, फटाफट से कॉपी में लिखो जल्दी. एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं. इस क्वेश्चन में क्या है, सेम दो सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है और कह रहा है कि अगर एल्टीट्यूड खींचेंगे तो दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा. ठीक है, मेडियन वाला देख लिया, अब एल्टीट्यूड वाला देखते हैं. तो सेम यहाँ पे आप एम और पी एन क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया. ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ पे एल्टीट्यूड डाल दिया, तो एल्टीट्यूड के कारण हो गया एंगल एम बराबर एंगल एन 90 डिग्री, और एंगल बी बराबर क्यू तो है क्योंकि वो क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है. ठीक है, अब इस दोनों ने सिमिलर कर दिया, तो सिमिलर होने के बाद हमने क्या लिख दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स अभी अभी आपने देखा सेम है, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए एम बाई पी एन, और ए बी बाई पी क्यू को हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ए सी बाई पी आर और बी सी बाई क्यू आर, देख रहे हैं इसका. ठीक है, तो फटाफट अपने को पता चल गया कि ये तीनों साइड के रेशियो जो है वो ए एम बाई पी एन के इक्वल हो जाएगा. हमने वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे एरियाज में, तो 1 बाई टू इंटू बी सी इंटू ए एम, 1 बाई टू क्यू आर इंटू पी एन, 1 बाई टू से 1 बाई टू कैंसिल हो गया, बी सी बाई क्यू आर की जगह पर बी सी बाई क्यू आर, ए एम बाई पी एन की जगह पर ए एम बाई पी एन. अब हमने सिर्फ बी सी बाई क्यू आर की जगह पर फिर से क्या प्रूफ कर दिया, बी सी बाई क्यू आर की जगह पर ए एम बाई पी एन, लेकिन प्रूफ हो गया करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड. तीन क्वेश्चन में बता दिया, एक जैसा मिलता जुलता आता है ना, समझ में आ रहा, तीन क्वेश्चन मिलजुल गया, घबराने की बात नहीं है. एक प्रूफ करोगे सेम, दूसरा प्रूफ करोगे सेम, तीसरा प्रूफ करोगे तो एक आपका क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, किसका वेट कर रहे हैं, फटाफट सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो.
कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू डालो, अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिखो, खराब लग रहा है तो खराब लिखो, अगर दिक्कत है तो बताओ कि उसमें क्या दिक्कत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।